नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव और मैं हाजिर हूँ आपकी जानकारी के लिए। बहुत ही अच्छी और बढ़िया, जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं, इस दवा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जो कि जो भाई गेहूं में घुन से परेशान हैं, जो किसान भाई गेहूं में घुन लगने से परेशान हैं, बार बार दवा रख रहे हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही है, घुन मर नहीं रहे हैं, या कोई भी दवा आप रख रहे हैं जिस दवा से कोई लाभ नहीं मिल रहा है आपको, किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि आप जो भी दवा रख रहे हैं, यदि आपको उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप इंसेक्टीसाइड इंडिया लिमिटेड, जिस पर ट्रैक्टर ब्रांड लिखा होता है और ट्रैक्टर का फ़ोटो भी छपा होता है किसान भाइयों, जिसमें ये डस्ट के रूप में होती है, यानी पाउडर के रूप में होती है। किसान भाइयों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यदि आप घुन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चींटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो किसान भाइयों आप इसका उपयोग करके आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों इसका नाम प्रॉफिट सुपर है, जो कि इंसेक्टीसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की आती है, जिस पर ट्रैक्टर ब्रांड लिखा होता है और ट्रैक्टर का फ़ोटो भी छपा होता है। किसान भाइयों इसमें जो पाया जाता है वह है फेनोल रेट 0.4% डब्लू पी, मतलब वेटेबल पाउडर, यानी कि ये पाउडर के रूप में पाई जाती है। किसान भाइयों यदि आप घुन की समस्या से जूझ रहे हैं तो किसान भाइयों आप इसका उपयोग आधा किलो प्रति क्विंटल कर सकते हैं किसान भाइयों, यानी कि आप इस पाउडर को लाकर आधा किलो की जो मात्रा है वो एक क्विंटल गेहूं में आप मिला कर रख दीजिए, जिसमें आपका घुन नहीं लगता है। किसान भाइयों यदि घुन लग चुका है तो इसका असर थोड़ा कम होगा, यदि आपकी गेहूं में घुन नहीं लगा है और आप उसको भंडारण के लिए किसी जगह पर रख रहे हैं, किसी बर्तन में भर कर रख रहे हैं, तो किसान भाइयों आप इसको मिलाकर आधा किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से इसको मिलाकर आप रख दीजिए, जिससे आपकी जो गेहूं की दाने हैं ये सुरक्षित रहेंगे और इसमें घुन नहीं लगेगा, किसी प्रकार के अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और ये किसान भाइयों जब आपको इसको खाना हो, इसका आटा मतलब आपको खाना हो इसको, तो किसान भाइयों आप इसको एक बार धुलाई कर लें, यदि ना समझ में आ रहा हो तो दो बार धुलाई कर लें। धुलाई करने के बाद ही इसका जो है आप पीसा हुआ आटा खाएं किसान भाइयों। जो गेहूं है इसमें दवा मिश्रित की जाती है, हो सकता है कि यदि आप धुलाई गेहूं की ना करें और ऐसे ही इसके पीसे हुए आटे को आप खाने लगें तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए किसान भाइयों दवा का उपयोग गेहूं के बचाव के लिए ज़रूर करें, लेकिन आप उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि जब आपको खाना है तो गेहूं की धुलाई करें, उसके बाद आप इसको पिसाई करके तब खाएं। किसान भाइयों ये दवा आपको यदि आपकी फसल घर में फसल लगी है, कोई पौधा लगा है जिसमें कोई हल्का फुल्का कीड़ा है, माहू है, या आप देसी में कह सकते हैं गुजिया है जो पीले पीले रंग की उड़ने वाली होती है किसान भाइयों, या यदि कोई भाई चींटी से परेशान है जो कि बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है आपके लिए, जहां पर भी आपके घरों में या आपके खेतों में जो बीज बोते हैं उनको खा लेती हैं, तो किसान भाई यदि आप बीज के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम प्रति 5 किलो में मिलाकर आप जो भी फसल बो रहे हैं उसी में मिलाकर आप उसी के बीज में मिलाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपके घर में चींटी बहुत हैं, आप चींटी से परेशान हैं, चींटियां मर नहीं रही हैं किसी भी दवा से, या कोई दवा आप उपयोग कर रहे हैं जो ज़्यादा हानिकारक है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो किसान भाइयों इस पाउडर का आप उपयोग करके आप ये इसको घोल बनाकर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे चींटियां मर जाएंगी, या फिर आप उस पाउडर को
उस स्थान पर छोड़ दीजिए जहाँ चींटियों का प्रकोप ज़्यादा है, ये चींटियाँ स्वतः ही मर जाएंगी। किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।